कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी रशिया जा रहे हैं। मुल्क पटरी से उतरा, फिर चढ़ना नसीब ही नहीं हुआ उसको। मोदी साहब का कोई भी विजिट शी जिनपिंग के लिए खतरे का बायस हो सकता है और वो इसको अपने लिए एक परेशानी समझ के, जो प्रेसिडेंट है रशिया के, उनसे मोदी जी की जो है वो एक विजिट भी रहता है। रह गया कि जी पाकिस्तान को दो हिस्सों में, तो पाकिस्तान तो कब का दो हिस्सों में तकसीम हो चुका और मुहावरतन नहीं हकीकतन हो चुका। इंडिया के खिलाफ नहीं है क्योंकि रशिया इंडिया के खिलाफ नहीं हो सकता। ये बात आप समझ लें कि इंडिया और रशिया की जो डेकेड्स पुरानी दोस्ती है, मैं सिर्फ ये रिलेशंस नहीं कह रही, याद रखिए ये बहुत गहरी दोस्ती है। लेकिन जब रशिया के ऊपर प्रॉब्लम आई तो फिर मोदी जी खड़े हो गए, रशिया के ऊपर संकट घिरा तो मोदी जी खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि हम आपका इसमें साथ देंगे और फिर जो विन विन सिचुएशन हो सकता था दोनों देशों के बीच वो किया गया। हम 25 करोड़ लोग 10-15 हजार लोगों के बिल देने के लिए पैदा हुए हैं, ये है हमारी 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 जो वो जिसे कहते हैं ना, अगर वो टैक्सेस देखें जिस अंदाज से वो खर्चते हैं, मतलब मैं तो अगर हूँ कुछ बोलने वाली कैपेसिटी में, मैं तो नहीं इतना ज़्यादा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे बोलता। मेरे दोस्तों आज की इस वीडियो को ना आप पूरी ज़रूर देखना, इस वीडियो में ना आपको पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना पूरी तरीके से देखने को मिलेगा, जहां पर बातचीत की जा रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के रशिया दौरे को लेकर और भारत की जो कामयाब फॉरेन पॉलिसी है उसको लेकर बातचीत की जा रही है कि किस प्रकार से भारत काम कर रहा है, वैसा पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता है, पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो बहुत मज़ेदार वीडियो है, आप पूरी देख लेना, लाइक करना, शेयर करना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वक्त बात ये चल रही है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी रशिया जा रहे हैं और वो अपने पहले बायलैटरल ट्रिप पे रशिया क्यों जा रहे हैं। ये एक बायलैटरल ट्रिप है, इससे पहले जब प्राइम मिनिस्टर मोदी G7 की मीटिंग में गए थे, समिट में गए थे, तो वो एक मल्टीलैटरल फोरम था। तो अभी वो क्या कर रहे हैं कि वो एक बायलैटरल ट्रिप पे जा रहे हैं, इस चीज को बहुत सारे लोग जो हैं वेस्ट के अंदर हैरानगी से देख रहे हैं। सो इंडिया जो है ना, व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया इज बेसिकली अ रैशनल एक्टर, ठीक है जी, एंड पर्टिकुलरली फॉर इट्स टाइज विद द वेस्टर्न एंड नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड। उसकी वजह ये है कि इंडिया कहता है यार आप लोग जब आपका दिल करता है आप आगे हक कर लेते हो, जब दिल कर लेता है आप कहते हो जी अभी हमारे इंटरेस्ट आपके साथ मिलते हैं तो चलो ठीक है आपके इंटरेस्ट हमारे साथ मिलते हैं तो हमारा भी तो इंटरेस्ट देख रहे हैं ना आपके साथ मिलते हैं कि नहीं मिलते। इंडिया ऐसे बात करता है, ये चीज़ें जो है ना ये हर मुल्क बात नहीं, ये पाकिस्तान नहीं कर सकता, ठीक है। वैसे पाकिस्तान भी हल्का फुल्का करता है लेकिन पाकिस्तान और चाइना करता है, पाकिस्तान चाइना पर कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करता, जो मर्जी आप कर लें कह लें वेस्टर्न ममालिक को जी डेट ट्रैप है, फलानी चीज़ है, चाइनीज ऐसे हैं, चाइनीज वैसे हैं। पाकिस्तान जो है ना, ये चीज़ फिर चाइनीज को भी अच्छी लगती है पाकिस्तान की, कि एटलीस्ट पाकिस्तान जो है ना उसकी दोस्ती इस लेवल पे है, ठीक है जी। अब रशिया का जो पहले जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा वेपन दिया करता था, ठीक है जी, तो अब वो कम हो गया। पहले आप देखें कि रशिया जो है, अगर 2019 से 13 की मैं एक स्टडी देख रहा था सिपरी की, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की, अगर उस वक्त 76% इंडिया रशिया से इम्पोर्ट वेपन कर रहा था, अब जो है वो तकरीबन 2019 से लेके 2023 का अगर देखें तो सिर्फ 36%। सो इट मीन्स रशिया, इंडिया हैज़ गॉन टू फ्रांस, इंडिया हैज़ गॉन टू अमेरिका, इंडिया हैज़ गॉन टू इज़राइल, इंडिया हैज़ गॉन टू अदर डेस्टिनेशंस एंड देर इज सम सॉर्ट ऑफ इंडिजिनस डेवलपमेंट जिसे वो आत्मनिर्भर भारत कहते हैं, ठीक है जी। तो ये अपनी वो फॉरेन पॉलिसी को जो है वो डाइवर्सिफाई करने के चक्कर में वेस्टर्न जो कंट्रीज है जैसे मैंने कहा उनसे वो जा उनके पास जा रहे हैं, और एंड देन अबव ऑल जिस चीज के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं, दैट इज डिस्काउंटेड ऑयल। ये वही डिस्काउंटेड ऑयल है जो इंडिया रशिया से खरीद के घर में उसको रिफाइन करके और अमेरिका और यूरोप को बेच रहा है। इस चीज पे वो पिटते हैं कि ये मकसद हो क्या रहा है, ठीक है जी। अब वेस्टर्न वर्ल्ड कहते हो जी आप तो उसकी रशिया की वॉर इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसकी वॉर इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको पता है जब से ये यूक्रेन वॉर हुई है 2023 तक इंडिया तकरीबन
ठीक है जी, 2023 में 54 अरब डॉलर का उन्होंने ऑयल खरीदा, $54 बिलियन। देन 2022 में 38 अरब डॉलर का, 2021 में 5 अरब डॉलर का, 2020 में 2 अरब डॉलर का, ठीक है, ठीक है जी। ये आप इमेजिन करें कि अगर इंडिया 2000, ये मेरा डाटा नहीं है, ये इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का डाटा है। सो द क्वेश्चन इज कि इंडिया 2023 में अगर 54 अरब डॉलर से ज्यादा का तेल खरीद रहा है, तो आप क्या समझते हैं, वो बेवकूफ समझते हैं आप उनको? उनको बड़ा पता है हम ये तेल क्यों खरीद रहे हैं, दे एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि हम ये तेल क्यों खरीद रहे हैं। और यार 1.4 बिलियन लोगों का मुल्क है, वहां पे तेल की सप्लाई कम हो जाए तो क्या तमाशा लग जाए वहां पे तो। एंड देन इन्फ्लेशन, महंगाई दुनिया के किस मुल्क में नहीं है, अमेरिका में भी महंगाई के रोने हैं, कनाडा में भी महंगाई के रोने हैं, यूरोप में भी महंगाई के रोने हैं, इंडिया में नहीं होंगे जहां पर कैपिटा इनकम $2500 है। तो जहां 2500, जहां लोगों की परचेजिंग, आप पाकिस्तान को देख ले, हमारे भी महंगाई के रोने हैं। अभी हुकूमत ने ठगाक टैक्स लगाए हैं, जो जो दूध पैकेज्ड मिल्क 290-300 रुपए का मिलता था पाकिस्तान में, अब वो सुनने में आ रहा है कि 370-380 का हो गया, थैंक्स टू द एलीट ऑफ पाकिस्तान जो इंजॉय करती है, खाती है, पीती है, मौजे मारती है, यशियां करती है, और हम जो है उनके बिल देते हैं। हम 25 करोड़ लोग 10-15 हजार लोगों के बिल देने के लिए पैदा हुए हैं, ये है हमारी 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 जो वो जिसे कहते हैं ना, अगर वो टैक्सेस देखें जिस अंदाज से वो खर्चते हैं, मतलब मैं तो अगर हूँ कुछ ही बोलने वाली कैपेसिटी में, मैं तो नहीं इतना ज़्यादा ज़्यादा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे बोलता। द क्वेश्चन इज कि मैं तो इस चीज़ पे कंपेन चलाऊं कि भैया आप लोगों जो ये जो गाड़ियों में घूमते हो, ये जो पेट्रोल और ये जो हूटर और ये जो, मतलब पुलिस के बजट ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू एजुकेशन के, एज कम्पेयर टू हेल्थ के। अस्पतालों में जाओ तो लोगों को वहाँ पे भी जूते पड़ रहे हैं, और सड़कों पे आओ तो वहाँ पे भी जूते पड़ रहे हैं, घटो बचो हो रही है। फिर एनी हाउ दैट इज नॉट आवर टॉपिक टुडे। सो द टॉपिक इज कि ये जो मोदी साहब, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल इंडिया, जैसे मैं बात कर रहा था, $2500 पर कैपिटा इनकम है, पाकिस्तान की तो 1500-1600, कई लोग 1700 कहते हैं, एनी हाउ अगर $2500 पर कैपिटा इनकम पे अगर वो बाहर से तेल इंपोर्ट ना करें तो तेल की कीमतें बढ़ जाए। डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा हुआ है कि हम 30 पर, हमारी यहाँ पे 30 रुपए तक तेल बढ़ जाना था, ठीक है जी। सो इंडिया जो है वो बेसिकली रशिया को ऑन बोर्ड लेने जा रहा है कि पाइन ये जो साढ़े तलकात ने ना रशिया अमरीका के नाल, ये जो हम वेस्ट के साथ गुडी गुडी हो रहे हैं, ये कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, डोंट वरी, हमें तुम्हारा, तुम हमारे साथ तब थे जब कोई नहीं था, ठीक है। सो हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कर रहे हैं। और दूसरा, नरेंद्र मोदी साहब उनको ये भी बताएंगे कि ये जो चाइनीज हैं ये हमारी बात नहीं सुन रहे, चाइनीज हमें लिफ्ट नहीं करा रहे, मामलात हमारे बॉर्डर पे खराब हैं, LOC पे हमारे साथ डायलॉग नहीं कर रहे, हमें इंगेज नहीं कर रहे, सो लिहाजा हमें अपनी ऑप्शंस को देखना है। होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने देखा, पाकिस्तान के पत्रकार हैं डॉक्टर कमर चीमा, उनकी वीडियो थी, और वो यहाँ पर जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो बायलेटरल विजिट हो रहा है रशिया में, उसको लेकर यहाँ पर बातचीत की जा रही है कि भारत जिस प्रकार से चाहता है वो अपने फॉरेन पॉलिसी बनाता है, उसी को लेकर काम करता है, और अलग अलग टॉपिक को लेकर कि किस प्रकार से भारत ने रशिया से सस्ता ऑयल इंपोर्ट किया, और भारत की देखा देखी पाकिस्तान ने भी करना चाहा, उसका क्या हाल हुआ, उसको लेकर भी बातचीत कर रहे हैं। तथा वीडियो के एंड में आपने ये भी सुना है कि किस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर जो टैक्सेस हैं वो बढ़ा दिए गए हैं सरकार की तरफ से, जो IMF की एक तरीके से डिक्टेशन है, जिस प्रकार से IMF कह रहा है उसी प्रकार से पाकिस्तान की सरकार को काम करना पड़ रहा है, और पाकिस्तान के अंदर लगातार टैक्स बढ़ रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, और पाकिस्तान की जो सरकार है वो IMF के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती हैं। दूसरी तरफ वो कंपैरिजन कर रहे हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर, भारत की नीतियों को लेकर कि किस प्रकार से भारत जो है ना कदम उठाता है, जो मुल्क भी इस पर सवाल उठाता है भारत उसको बराबर जवाब भी देता है। तो बाकी आपने पूरी वीडियो देखी, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।